तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके YouTube वीडियो को मैनेज करने में काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है उस 5 एप्लीकेशन का। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस 5 एप्लीकेशन के नाम बताने के साथ साथ मैं उस 5 एप्लीकेशन का काम भी बताऊंगा कि किस किस एप्लीकेशन से क्या क्या काम होता है, ताकि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी तेजी से इंक्रीज हो और व्यूज भी ज्यादा से ज्यादा आए। तो सबसे पहला मैं बता दूं आपको कि वो है पिक्सल लैब। यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे पिक्सल लैब, ये देख सकते हैं आप उस एप्लीकेशन का नेम है, काफी अच्छा है। और ये वर्क कैसे करता है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बनता है थंबनेल्स जो कि ऊपर वाले साइड पे लगता है। यहाँ पे 3D दिखाई दे रहा है, ये सब थंबनेल्स भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, जैसे कि वीडियोज वाले ऊपर वाले पार्ट पे लगता है। अगर हम थंबनेल्स उस एप्लीकेशन से बनाते हैं, एट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाते हैं, क्लिक बैट बनाते हैं, तो जो जिस भाई साहब के स्क्रीन पे जाता है वो क्लिक करते हैं तो फिर हमारा व्यूज भी आता है और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन में आपको बता दूं वो है काइन मास्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं काइन मास्टर, ये है मोड एपीके काइन मास्टर का। अगर आप चाहते हैं कि मोड एपीके में कैसे डाउनलोड करूँ तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से मोड एपीके डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको काइन मास्टर का वाटर मार्क नहीं दिखाई देगा वीडियो को एडिट करते टाइम। तो ये काइन मास्टर कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है आपको वीडियो को एडिट करने में, जैसे कि किसी पार्ट को कट करना हो या फिर किसी चीज को ऐड करना हो तो बहुत इससे आराम से सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं काइन मास्टर से। तो दूसरा एप्लीकेशन भी हो गया, अब हम बात करते हैं तीसरा एप्लीकेशन के बारे में। तो ये है वाई टूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम है वाई टूल्स, ठीक है। इससे क्या होता है कि किसी भी वीडियोज के आप लिंक को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो उसके आपको टाइटल, टैग, थंबनेल्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आप यहाँ से कॉपी कर पाएंगे और देख पाएंगे, ये सब कुछ आपको बता देगा वाई टूल्स में। और मैं आपको बता दूं अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियोज बनाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसका टाइटल, थंबनेल्स आपको समझ नहीं आ रहा है, टैग समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लगाए, तो ये एप्लीकेशन आपको जरूर बताएगा। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैं बता देता हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, सब्सक्राइबर कैसे, और उसके बाद से यहाँ पे टाइप करता हूँ बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद से गो पे आपको क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना टाइटल देने को आ गया है, मैं अपने वीडियोज में इतना टाइटल लगा सकता हूँ। चलिए तीसरा एप्लीकेशन भी हो गया, अब हम आपको बताते हैं चौथा एप्लीकेशन के बारे में। तो चौथा एप्लीकेशन है वो है BDIQ। ये आखिर क्या होता है, तो हमारे यूट्यूब वीडियो जो कुछ भी मैंने अपलोड किया रहता है ये उसे सर्टिफाइड करता है, बताता है कि कितना CO है, कितना क्या है क्या नहीं है। अगर आप इसको भी ओपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये मेरे पुराने वाले मोबाइल में है, ओपन है, और इसमें भी ओपन है, तो इसमें मैंने अभी ओपन नहीं कर रखा है, पूरे तरह से साइन अप नहीं कर रखा है, नहीं तो मैं आपको इसको भी समझा देता। आई होप अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवा एप्लीकेशन के बारे में। तो पांचवा एप्लीकेशन जो है वो है कि यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट, ठीक है। किसी भी टाइटल को अगर आप को कॉपी करना चाहते हैं, किसी भी स्क्रीनशॉट को, जैसे कि ये है स्क्रीनशॉट, इसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, और इस लेने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अलाउ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ऐसे करके आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जो जो कहेगा वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद सही पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो कुछ भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसे आराम से हम यहाँ से कॉपी कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी हो चुका है, तो ये भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। और भी आपको मैं बोनस ट्रिक में बता दूँ तो ये है यूट्यूब्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बताना भूल गया जो कि YT स्टूडियो है। अगर आप एक न्यूट्यूब यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको YT स्टूडियो को जरूर इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा वीडियो मैनेज होता है, जैसे कि टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, अनलिस्टेड, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, काफ़ी ज़्यादा कुछ आता है। अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। तो ये आपको मैं बता दिया 5-6 ऐसे एप्लीकेशन जो कि आपको यूट्यूब वीडियो को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।